हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। जैसा कि हम पिछले सेशन में स्पेशल पर्पस जो ट्रांसफार्मर था उसमें हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को पढ़ चुके थे। इसके दोनों टाइप, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पढ़ चुके थे। ये दोनों ट्रांसफार्मर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये ट्रांसफार्मर पूछता ही पूछता है, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि कभी कभी मतलब करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस भी पूछ दे, तो जो भी पॉइंट हम लिखे हैं दोनों में उससे आप खुद बना लीजिएगा। अगर आप लोग दोनों का डिफरेंस नहीं कर पाइएगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसका डिफरेंस को पॉइंट बाई पॉइंट लिख कर हम आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी यूनिट का जो दो ट्रांसफार्मर बचा हुआ था, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, तो उसी दो ट्रांसफार्मर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वैसा ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग हम वेल्डिंग पर्पस के लिए करते हैं उस ट्रांसफार्मर को हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो जनरली होता है वह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन होने के कारण जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसके सेकेंडरी साइड का जो करंट होता है वहां पर हाई होता है और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होता है वो लो होता है। क्योंकि अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक कॉन्स्टेंट पावर डिवाइस है, तो प्राइमरी में जितना भी उसका पावर होगा सेकेंडरी में भी उतना ही होना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पर जो है वो वोल्टेज घट रहा है, तो वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट को बढ़ना ही पड़ेगा, तभी वो पावर को कांस्टेंट बनाए रखेगा। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी साइड होता है उसका वोल्टेज कम होता है और वहाँ पर करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ पर जो वोल्टेज होता है जनरली 60 से 70 वोल्ट के बीच में होता है, लेकिन वहाँ पर जो करंट का वैल्यू होता है वो 200 से 600 एम्पियर के बीच होता है। तो चलिए इसमें जो भी हम पॉइंट लिखे हैं उसको हम बारी बारी से देख लेते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द ट्रांसफार्मर विच इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस इज नोन एज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। जैसा कि लिखा हुआ है कि वैसा ट्रांसफार्मर जिसका कि हम उपयोग वेल्डिंग पर्पस में करते हैं उसको हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और कैपेबल ऑफ डिलीवरी द हाई करेंट रिक्वायर फॉर द आर्क वेल्डिंग। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और यह कैपेबल है हाई करंट को डिलीवर करने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज लाइक डीसी वेल्डिंग मशीन, जैसा कि डीसी वेल्डिंग मशीन होता है, नो लोड वोल्टेज ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर इज अबाउट 60 to 70 वोल्ट। जो नो लोड वोल्टेज होता है डीसी मशीन का वह 60 to 70 वोल्ट होता है, विच आर सफिशियंट टू फिक्स द आर्क, जो कि है आर्क को फिक्स करने में सफिशियंट होता है। नेक्स्ट जो है तो सेकेंडरी करेंट इज क्वाइट हाई एंड इट मे बी टाइपिकली 200 to 600 एम्पियर, बट इट कुड बी मच हाइयर। जो सेकेंडरी करेंट होता है वह जनरली हाई होता है, उसका वैल्यू 200 एम्पियर से 600 एम्पियर होता है और इससे भी ज़्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है द इम्पीडेंस ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग एन आर्क एंड कंट्रोलिंग द करेंट। जैसे क्या लिखा हुआ है देखिए, द इम्पीडेंस ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस जो होता है मे प्ले ए रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग द आर्क, मतलब आर्क को स्टेबलाइज करने में वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और साथ ही साथ करेंट को भी कंट्रोल करने में इस ट्रांसफार्मर का जो इम्पीडेंस होता है वो बहुत मदद करता है। ये ट्रांसफार्मर का एक्चुअल फिगर है जिसको कि आप अपने वर्कशॉप जो कॉलेज का वर्कशॉप है वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसी में कुछ और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि लार्ज बिल्डिंग ट्रांसफार्मर आर मोस्टली लाइक टू बी डिजाइन फॉर 3-फेज इनपुट। जो लार्ज बिल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो 3-फेज इनपुट के लिए डिजाइन होता है। तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो स्मॉल ट्रांसफार्मर होता है, मतलब स्मॉल बिल्डिंग ट्रांसफार्मर, वो डिजाइन होता है 1-फेज यूनिट के लिए और जो लार्ज बिल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो डिजाइन होता है 3-फेज यूनिट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द सेकेंडरी मे हैव सेवरल टैप फॉर एडजस्टिंग द सेकेंडरी वोल्टेज टू कंट्रोल द वेल्डिंग करेंट। सेकेंडरी में बहुत सारा टैपिंग दिया हुआ रहता है जिससे कि हम उसके वोल्टेज को चेंज करके वहाँ पर जो करेंट है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है
वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कनेक्शन होता है उसमें उसका एक टर्मिनल को हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं और उसके दूसरे टर्मिनल को हम जिस वर्क पीस पर हम काम कर रहे हैं उससे कनेक्ट कर देते हैं, जैसा कि आपको हम फिगर में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये इलेक्ट्रोड है जो कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी जो था उसका एक टर्मिनल से यह इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है और उसी का दूसरा टर्मिनल जो होता है उससे जो वर्क पीस जहाँ पर ये वेल्डिंग कर रहा है वो कनेक्टेड होता है, जो कि हम फिगर में आगे भी दिखाएंगे। एक और फिगर है उसमें, पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। इफ एनी हाई करेंट फ्लो, जब कोई हाई करेंट फ्लो होता है हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जब हाई करेंट फ्लो होता है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड पीस, जो पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में। जैसे देखते होंगे कि आप वर्कशॉप में जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जैसे ही हम इलेक्ट्रोड को वर्क पीस में सटाते हैं तो उस रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पर से करेंट आ रहा है, वहाँ पर रेजिस्टेंस है जिसके कारण कि I²R वहाँ पर बनता है, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने के कारण जो वेल्डिंग होता है वह अच्छी तरीके से हो जाता है, मतलब जो वर्क पीस जिसको हम वेल्ड कर रहे हैं वो आसानी से और अच्छी तरीके से हो जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट, यह जो है इसका फिगर है, इसमें देखिए यहाँ पर ये जो प्राइमरी है वो तो एसी सप्लाई इसमें हम दे ही रहे हैं, साथ ही साथ इसका सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम है। नंबर ऑफ टर्न कम है तो वोल्टेज कम, वोल्टेज कम तो वहाँ पर करंट ज़्यादा। तो इसका देखिए एक टर्मिनल जो है उसको हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिए हैं और उसी का दूसरा टर्मिनल को जिस वर्क पीस को हमको वेल्ड करना है उससे हम कर दिए हैं। और यहाँ पर जो ये जो है वो आर्क है, जैसे आप जिसको तितकी या चिंगारी जिसको बोलते हैं वो, उसको यहाँ पर आर्क लिखा गया है। और यह जो है ट्रांसफॉर्मर जो वेल्डिंग है इसको आप 5th सेम में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सारा टाइप का वेल्डिंग है उसको आप पढ़िएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। क्या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक करेंट ट्रांसफार्मर का ही रूप है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न, जैसे बाकी सब ट्रांसफार्मर था उसमें नंबर ऑफ टर्न किसी में प्राइमरी की तरफ ज़्यादा था, किसी में सेकेंडरी की तरफ ज़्यादा था, लेकिन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न होता है वो प्राइमरी में भी सेम होता है और सेकेंडरी में भी सेम होता है। तो दोनों साइड में जो उसका नंबर ऑफ टर्न होता है वो सेम ही होता है। और साथ ही साथ इसका उपयोग ना ही तो हम स्टेप डाउन और स्टेप अप के लिए करते हैं, क्योंकि जब दोनों तरफ का जो बाइंडिंग है वो सेम है, नंबर ऑफ टर्न दोनों तरफ का सेम है, तो वहाँ पर ना तो इसके वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। बस एक ही काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो प्राइमरी में किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन आता है तो उस फ्लक्चुएशन को डायरेक्टली सेकेंडरी में ट्रांसफर ना हो जाए, उससे बचाने के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसके पॉइंट को हम देखते हैं जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि द ट्रांसफार्मर विच हैज इट्स मेन फंक्शन टू आइसोलेट द सर्किट इज कॉल्ड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन है कि वैसा ट्रांसफार्मर जिसका कि मेन फंक्शन होता है सर्किट को आइसोलेट करने का, तो उस ट्रांसफार्मर को हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, इट इज वन टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। ये एक तरह का करंट ट्रांसफार्मर होता है विच इज यूज टू सप्लाई पावर टू इक्विपमेंट, जो कि इक्विपमेंट को सप्लाई देता है, जिसका उपयोग हम इक्विपमेंट में सप्लाई देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इन दिस ट्रांसफार्मर द प्राइमरी वोल्टेज विल बी इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज जो होता है वो इक्वल होता है सेकेंडरी वोल्टेज का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न जो होता है बोथ वाइंडिंग का सेम होता है। इसमें प्राइमरी का भी वही नंबर ऑफ टर्न होता है जो कि सेकेंडरी का होता है, मतलब दोनों का नंबर ऑफ टर्न सेम होता है, मतलब N1 = N2 होगा। जब नंबर ऑफ टर्न सेम है तो वहाँ पर वोल्टेज भी सेम, करेंट भी सेम, सारा कुछ सेम होगा। बस यह प्राइमरी में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे सेकेंडरी को किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं देता है, जिसको कि आपको हम फिगर में दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले ये पॉइंट देख लेते हैं कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज नॉट यूज फॉर इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग हम वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए नहीं करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है कि इट इज यूज टू प्रिवेंट यूनिडायरेक्शनल ग्राउंड कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो यूनिडायरेक्शनल ग्राउंड कनेक्शन होता है उससे बचाता है और साथ ही साथ उसको प्रिवेंट करता है हाई वोल्टेज डिस्चार्ज से। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इट कैन प्रोवाइड गैल्वेनिक आइसोलेशन टू द इलेक्ट्रिक सिस्टम, या इलेक्ट्रिक सिस्टम में गैल्वेनिक आइसोलेशन देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि इट इज यूज टू वेरीफाई द इलेक्ट्रिक सिस्टम फॉर सेफ्टी रिक्वायरमेंट लाइक मेडिकल डायग्नोसिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर सिस्टम एंड टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इसका उपयोग जनरली जो है मेडिकल
डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट और कंप्यूटर सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में किया जाता है, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फ्लक्चुएशन या किसी भी तरह का अगर वहाँ पर हारमोनिक्स आ जाता है प्राइमरी साइड में, तो उसको डायरेक्टली जो है वो सेकेंडरी में रेफर नहीं करता है, उससे सेकेंडरी को प्रिवेंट करता है, जिससे कि हमारा जो जिस भी तरह का जो भी हमारा कार्य हो रहा है वो बाधित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट इज यूज इन पल्स ट्रांसफॉर्मर, या जो है पल्स ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिए प्राइमरी में कुछ यहाँ पर फ्लक्चुएशन आया है वोल्टेज में, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न सेम है तो वहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो कम नहीं हुआ है, लेकिन यह जो फ्लक्चुएशन आ रहा था उसका वैल्यू देखिए यहाँ पर कम हो गया है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि कम्प्लीटली कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो भी मशीन है वह कोई भी आइडियल नहीं है, आइडियल नहीं होने के कारण कुछ ना कुछ जो है उसमें लॉसेस हो जाता है, जिसके कारण वह कंप्लीट नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो भी फ्लक्चुएशन है लेकिन बहुत हद तक कम कर देता है। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि यह सेफ्टी ट्रांसफार्मर है, जो कि हमारे कोई भी इक्विपमेंट को सेफ्टी मान फ्लक्चुएशन वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से बचाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वह एडवांटेज ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है। तो हम इसका एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या है। इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट डेंजरस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, यह लोगों को बचाता है डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक से, मतलब कि जो भी हाई इलेक्ट्रिक शॉक होता है उससे यह लोगों को बचाता है। मतलब प्राइमरी में जो भी किसी भी कारण से प्राइमरी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो सेकेंडरी में तो नहीं आता है, सेकेंडरी में अगर वो नहीं आएगा तो जो हमारा जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो बच जाता है, और साथ ही साथ जो आदमी उस इक्विपमेंट को यूज करते रहता है वो भी बच जाता है इलेक्ट्रिक शॉक से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट कैन ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ डीसी सिग्नल फ्रॉम वन सर्किट टू अदर सर्किट, यह डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाने से, और अलाउ करता है एसी सिग्नल को पास होने से, मतलब कि एसी सिग्नल को पास करने के लिए अलाउ करता है और डीसी सिग्नल को रोक देता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाने से। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट कैन ब्लॉक इंटरफ्रेंस कॉज्ड बाय ग्राउंड लूप, यह जो है वह ब्लॉक करता है इंटरफ्रेंस को, जो कि ग्राउंड लूप के कारण जो इंटरफ्रेंस आता है उसको यह ब्लॉक करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर विथ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड कैन यूज फॉर पावर सप्लाई फॉर सेंसिटिव इक्विपमेंट, मतलब आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के साथ अगर इलेक्ट्रिक शील्ड लगा देते हैं तो इसका उपयोग जो है वो सेंसिटिव इक्विपमेंट को पावर सप्लाई देने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक टेस्टिंग एंड सर्विसिंग एज ए पावर ट्रांसफार्मर फॉर सेफ्टी, मतलब कि इस ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग और सर्विसिंग में किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर यूज फॉर पावर सप्लाई ऑफ डिवाइस विच आर नॉट एट ग्राउंड पोटेंशियल, इसका उपयोग जो है वो पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है वैसे इक्विपमेंट को, वैसे डिवाइस में जो कि ग्राउंड पोटेंशियल पर नहीं होता है, उसमें उसको सप्लाई देने के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इट कैन रिड्यूस अर्थ लीकेज इन इक्विपमेंट यूज इन बेट लोकेशन, मतलब इसका उपयोग जहाँ पर बेट लोकेशन है वहाँ पर अर्थ लीकेज जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जनरली देखते होंगे जब हमारे घर में जो चापाकल होता है उसमें जब हम अर्थिंग दे देते हैं, तो जब चापाकल भीगा होता है कभी कभी तो आपको वो शॉक मारता है, तो वही है अर्थ लीकेज जो हो रहा है वहीं पर से अर्थ लीकेज हो रहा है, और वह बेट लोकेशन है जिसके कारण कि वहाँ पर अर्थ लीकेज होता है। अगर वहाँ पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज किया हुआ रहता तब तो वहाँ पर हमें शॉक नहीं मारता। तो यह था आज हम लोग का लेक्चर, जिसमें कि स्पेशल पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर जो यूनिट था वह हमारा एंड हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वह डीसी मोटर पे आएगा। तो यहाँ पर यह यूनिट हो गया समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।